नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष मंगलवार द्वादशी तिथि दोपहर 2:35 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आज भी शाम 6:35 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अतः आज भी पूरे दिन और शाम 6:35 तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव कायम रहेगा। चंद्रमा आज भी शाम 6:35 तक मीन राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे दिन आज भी चंद्रमा पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र बुध का ही रहेगा, जिससे सरकारी सहयोग और विभागीय प्रेरणा कायम रहेगी। हर कार्य अपने बुद्धि कौशल से अपने मन मुताबिक करते जाएंगे। आपकी कार्यशैली लाभ दिलाएगी और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। प्रशासनिक सहयोग कायम रहेगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। शाम का समय पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि करने वाला होगा और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल के शुभ अशुभ और दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल का प्रभाव? धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं, जो कि धनु राशि से 12वें घर में चल रहे हैं और मंगल आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी चतुर्थ दृष्टि 6वें भाव पर, शत्रु भाव रोग भाव पर, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और अष्टम दृष्टि दशम भाव पर आजीविका व्यापार कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। आपके हर प्रयासों में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। पराक्रम में वृद्धि होगी, वाद विवाद संबंधी मामले और मुकदमों में जीत हासिल हो सकती है। शत्रु परास्त होंगे और विरोधी दबे रहेंगे। अधिकारियों से लाभ और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। विभागीय सहयोग कायम रहेगा, धार्मिक कार्यों में संलिप्तता बढ़ेगी, सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहेंगे, व्यवसाय के दृष्टिकोण से सफलता हासिल होगी, नए अनुबंध सामने आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र के संसाधनों में सहयोग मिलेगा और खर्च भी संभव है। नौकरी करने वाले जातकों को उन्नति के अवसर मिलेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए, नसों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, साथ ही साथ दांत मसूड़े में दिक्कत आ सकती है, मानसिक उत्तेजना का दौर आता रहेगा। हर कार्य धैर्य के साथ संपन्न करें, सफलता मिलती जाएगी। क्या उपाय करने चाहिए जिससे हर तरफ से अनुकूलता बनी रहे और आरोग्यता में वृद्धि हो? नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा और शिव चालीसा कर सकते हैं, रोज केले के पौधे में जल डालें और सूर्य देव को अर्घ दें, साथ ही रोज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आरोग्यता बनी रहेगी, मगर मन मुताबिक काम होंगे और संघर्ष में कमी आएगी। मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में उत्साह की कमी, मन में नकारात्मक विचारों का उठना और संघर्ष की स्थिति संभावित है, अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और अपव्यय का संकेत भी मिलता है, मगर निजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी, नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग में कमी महसूस करेंगे, सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश में भी उतार चढ़ाव संभावित है, हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, आवश्यकता अनुसार आवश्यकताएं पूरी होती जाएंगी, मगर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता संभावित है। वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति, उत्साह में कमी और क्रियाशीलता प्रभावित होने का संकेत मिलता है, मगर आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी, साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा से अधिकतर कार्य संपन्न होंगे, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे, घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के लिए समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता के साथ साथ प्रशासनिक सहयोग में कमी और विभागीय कर्मचारियों की सकारात्मक प्रेरणा में उतार चढ़ाव संभावित है, हालांकि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार होगा और सफलता मिलेगी, साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ न कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का दौर चलता रहेगा, मगर रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धार्मिक भावना में भी वृद्धि होगी और विभागीय दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी, नई कार्ययोजनाओं की गति प्रभावित होगी और विकास की दर में उतार चढ़ाव संभव है। अतिरिक्त जिम्मेदारी और कार्य की अधिकता बढ़ी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थी प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। वैवाहिक मामले सफल रहेंगे और निजी रिश्तों में आपसी सामंजस्य बनाए रखें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष में स्थिरता आएगी और लाभ की स्थिति आपकी सक्रियता के ऊपर निर्भर करेगा, मगर आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर गृहस्थी और कार्यस्थल में आवश्यक संसाधनों के लिए रचनात्मक पहल जारी रहेगी। नई कार्ययोजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और बहुप्रतीक्षित मामले संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों को सार्थक फल मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता और घर गृहस्थी संबंधी सुकून में कमी आएगी और सरकारी कार्यों में खर्च का अंदेशा बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पहले से बेहतर स्थिति महसूस होगी। प्रबल आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति आर्थिक मामलों में मदद करेंगे, मगर कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक चिंता बनी रहेगी, साथ ही सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है। उत्तेजनात्मक माहौल को परिस्थितियों के अनुसार सामान्य करने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा, फिर भी कार्यक्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन संसंगित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी। प्रशासनिक सहयोग और विभागीय प्रेरणा से राहत महसूस करेंगे और सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। मन मुताबिक काम होने का समय हो चुका है। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और संतान संबंधी मामलों में राहत महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र के आवश्यक संसाधनों में और साथ ही साथ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और निवेश की संभावना बनती है। नई कार्ययोजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे, मगर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास सार्थक होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को प्रयासों में बल मिलेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे। विभागीय सहयोग बना रहेगा और अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्राएं संभावित हैं। साझेदारी सफल रहेगी। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सकारात्मक प्रेरणा को जन्म देंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और मिसाल कायम करेंगे। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और विरोधी परास्त होंगे। बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्ययोजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है।
निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा और बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। चंद्रमा आपकी राशि पर चल रहे हैं। आत्मिक सुख और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्यक्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, मगर विकास की गति धीमी होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।